लाहौर समेत पंजाब भर में अगवा होने वाले बच्चों की तादाद में हौलनाक इजाफा हो गया है। हौलनाक इजाफा हो गया है, इसी पर बात करेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा सूबाई दार हुकूमत में अगवा के बढ़ते वाकयात की वजूहात क्या है? बिल्कुल उमर बाब, जो सूबाई महकमा दाखिला पंजाब को एक रिपोर्ट जो है वो सरकारी मशीनरी की जानिब से अरसाल की गई है, उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि लाहौर समेत पंजाब भर में अब तक 652 बच्चे जो हैं उनको अगवा किया गया है और जो लापता हैं। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा अगवा बच्चे हुए वो लाहौर में हुए, 312 जिनकी तादाद जो है वो सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है। और ये रिपोर्ट सूबाई महकमा दाखिला को अरसाल की गई है और इस पर ख़ास तौर पर अहकाम जो हैं वो पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस को भी जारी किए गए कि इस होलनाक इजाफे को रोका जाए, क्योंकि ये पंजाब और लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि ये जो रिपोर्ट मरतब की गई है, ये रिपोर्ट ख़ास तौर पर 2016 जनवरी 2016 से लेकर अब तक ये रिपोर्ट मरतब की गई, जिसमें ये बताया गया कि 652 बच्चे जो है वो अगवा किए गए और इसमें ना सिर्फ लाहौर बल्कि रावलपिंडी, सरगोधा, मुल्तान के रीजन जो है वो भी शामिल है। तो उसके बाद अगर टोल की बात की जाए तो लाहौर के बाद रावलपिंडी में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है अगवा किए गए, उसके बाद मुल्तान और सरगोधा में बच्चे जो है वो अगवा किए गए। लेकिन इस पर इन तमाम रीजन की जो पुलिस है उन पर सवालिया निशान है कि वो अब तक इनकी बाजियाबी के लिए कोई कार्रवाई जो है अमल दरामद नहीं ला सके। जबकि लाहौर पुलिस की अगर बात की जाए तो लाहौर में 312 बच्चे जो अगवा हुए, इस पर लाहौर पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इनमें बच्चे वो शामिल हैं जो घर छोड़ जाते हैं, जो मदरसा छोड़ जाते हैं। अली रामी, यही पूछना चाहूंगा कि पुलिस अफसरान का ये कहना है कि ज्यादा तादाद घर से भाग जाने वाले बच्चों की है। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस का तो यही मौकफ है कल, क्योंकि सीसीपीओ लाहौर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि ये वो बच्चे हैं जो घर छोड़ जाते हैं, जो मदरसा जो है वो डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन इनमें अगवा बराए तवान का कोई केस जो है वो नहीं अभी तक सामने आया। लेकिन 312 बच्चे अगवा हो जाना, उनका वापस घर पर ना आना, तो ये भी एक सवालिया निशान है लाहौर पुलिस के ऊपर कि ये फिर बच्चे कौन हैं जो घर पे वापस अभी तक नहीं आए। अगर 312 बच्चे में घर बच्चे वापस आ जाते हैं तो इस पर महकमा दाखिला को रिपोर्ट जो है ये क्यों भेजी जाती है कि 312 बच्चे जो है वो चाइल्ड एबडक्शन में शामिल हैं, वो अभी तक अगवा है, उनका कोई अता पता जो है वो नहीं है। तो ये भी एक सवाल जो है लाहौर पुलिस के ऊपर है, दूसरी जन पंजाब पुलिस के ऊपर है कि 652 बच्चे पूरे पंजाब में अगवा हो जाते हैं लेकिन इस पर इंतजामिया भी खामोश है, पंजाब हुकूमत भी खामोश है। लेकिन अब महकमा दाखिला की जानिब से ये रिपोर्ट सूबाई वज़ीर कानून राणा सनावला को भेजी गई, जिस पर अब सरकारी मशीनरी मजीद हरकत में आई है और उस पर लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस को अहकाम जारी किए जाते हैं कि इन बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई भी अगर मामला है, अगर ये घर छोड़ के जाते हैं तो इनका फौरी तौर पर अता पता लगाया जाए ताकि इन बच्चों के अगवा का मामले को फौरी तौर पर रोका जाए। लेकिन जराए ने यह भी बताया है कि ये बच्चे जो अगवा हुए जा रहे हैं ये इंसानी स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो खामोश है। तो यही सूरत है कि 652 बच्चे अगवा हुए।